जो अभी आपने बताया नवरत्न यादव खास कुछ नहीं होता, अभी वो चार दिन के नमूने हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक जब मैं 9 साल का था तभी पार्टी से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई कि नहीं? मैं 94 बार मिल चुका हूँ, एक दो बार को छोड़ो मैं 94 बार मिल चुका हूँ अखिलेश यादव जी से। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे थे यादव अब कभी नेता बन ही नहीं पाएगा, आप अखिलेश यादव जिताने चले आए हैं, इधर सुनो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में बहुत ही अद्भुत चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक छोटा सा बच्चा नवरत्न यादव जो अखिलेश यादव का खास बन चुका है। ऐसे ही देख सकते हैं एक दिव्यांग हैं जो अमेठी से आए हैं सपा का प्रचार करने के लिए, ये चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन इस तरह से चल रहे हैं। अभी हमको सड़कों पर दिखे तो हमें बड़ी उत्सुकता हुई जानने की। भैया का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैया मोहम्मद अयाज है, मैं अमेठी जिला का हूँ। जो अभी आपने बताया नवरत्न यादव खास कुछ नहीं होता, अभी वो चार दिन के नमूने हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक जब मैं 9 साल का था तभी पार्टी से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, जब 9 साल के थे और आज 18 साल का हूँ पूरा। 9 साल से हाँ लगातार जुड़े हुए हैं जी। अरे हमारे ख्याल से तब वो 3 साल के थे, गोदी में खेल रहे वो। अच्छा, तब से आप पार्टी से जुड़े हैं? हाँ। तो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई कि नहीं? मैं 94 बार मिल चुका हूँ, एक दो बार को छोड़ो मैं 94 बार मिल चुका हूँ अखिलेश यादव जी से। और अभी मुलायम सिंह यादव से भी मिल चुका हूँ। उनके ऐसा परिवार में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो मुझे जानता ना हो। अच्छा, ये भी पूरा जावेद साथ में कह सकता हूँ। आप इतने छोटे हैं अभी से पार्टी का झंडा उठा ले रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? देखो मैं अभी से नहीं उठा रहा हूँ, जब मैं 9 साल का था तभी से उठा रहा हूँ। और यही मेरी शान है, यही मेरी जान है। यही आपकी शान है, यही आपकी जान है जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बीजेपी भी है पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो देखो आपने सपा को ही क्यों चुना? अखिलेश यादव जैसा 9 साल की उम्र में, एक चीज बताएं आपको, अखिलेश यादव के जैसा नेता कोई पूरे हिंदुस्तान में नहीं बन पाएगा, उनके पिता जी के जैसा। हाँ, क्यों नहीं बन पाएगा? अरे नहीं बन पाएगा, उनने इतना काम कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि देश विदेश वाले नहीं कर पाएंगे। भले ही देश विदेश में बादशाह हुकूमत है, यहाँ तब पे हुकूमत नहीं है तो क्या हुआ, मगर अखिलेश यादव से अच्छा इंसान कहीं नहीं व्यक्ति मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे थे यादव अब कभी नेता बन ही नहीं पाएगा, आप अखिलेश यादव जिताने चले आए हैं, इधर सुनो। ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी, कुछ दिन सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो ओम प्रकाश राजभर से जाकर कह देना कि सब्र करो, तो अभी तो फॉर्चुनर से घूमोगे, कुछ दिन रुके रहो, साइकिलो एक नसीब नहीं होगी कि उससे घूमे। वो तो कभी सपा में आ जाते हैं, कभी भाजपा में आ जाते हैं, तो भगेड़ू नेता है जैसे दारा सिंह चौहान हो गए, ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, दारा सिंह चौहान सपा में थे तो अच्छे थे, अब भगोड़ा हो गए हैं। एक चीज बताएं जो आप कह रहे हो, तो पहले भी बीजेपी में थे, बीजेपी से सपा में आए थे तब अच्छे थे। एक चीज बताओ, वो तो कह रहे हम घर वापसी कर लिए फिर से वापस भाजपा में आ गए। वो किस लिए आए थे ये भी बता दे रहा हूँ, वो मंत्री बनने आए थे कि सपा की सरकार बन रही, लहर तो हाईवे किए थे, तो बेईमानी हो गई तो हम लोग क्या करें, वो मंत्री बनने केवल आए थे, वो रुकने नहीं आया था। अगर सरकार बनी होते तो उनके जैसे दस्ट हो रहे भाग जाती, तब वो कोई फर्क न पड़ते समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो वो किस लिए इस्तीफा दिए भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, केवल मंत्री पद के लिए। हाँ, और ओम प्रकाश राजभर भी इसके लिए भाग गए कि उन्हों को मंत्री पद चाहिए था। अच्छा, आप प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? भाजपा लगातार आरोप लगाती है सपा गुंडों की पार्टी है। इधर सुनो, गुंडे की पार्टी जो आप बता रहे हो, बीजेपी से बड़ा गुंडा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। अभी नहीं के देख लो, 10-10 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, क्या इनके पिताजी पैसा लेके आए थे क्या? ये सब पैसा किसका है? जनता का पैसा। नेता चलते हैं सब जनता का पैसा होता है। सुधाकर सिंह विधायक एक फॉर्च्यूनर से चलते हैं, इनके पास कहाँ पैसा है बताइए मुझे आप? और ये मंत्री बन जाते हैं, 50-50 फॉर्च्यूनर से चलते हैं, ये सब किसका पैसा, कहाँ से पैसा आता? क्या इनके पिताजी बबौती लेके आए थे क्या पहले से? खेती किसानी करते हो? अरे खेती किसानी का सही होती है कि खेती किसानी होती है तो 10 रुपए किलो आटा बिकता है, 20 रुपए किलो बिकता है, 1 क्विंटल अगर बिकेगा तो मान के चलो 20-25 हजार या 1 लाख रुपए आएगा, तुम 45-45 लाख रुपए की गाड़ी तुम 20-25 ठौड़े लेके चलोगे तो पैसा कहाँ से आता है मुझे बताओ ये।
और ये सब पैसा जनता का है और भारतीय जनता पार्टी टिकी भी है तो आज वो जनता की पैसे टिकी है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। सिलेंडर भी 200 रुपए सस्ता कर दी, और क्या चाहिए, 5 किलो राशन दे ही रही है, 2000 जनधन योजना दे रही है। तुम्हारी 5 किलो में अगर जिंदगी पार हो जाए तो बताओ, मैं अभी 5 किलो क्या, मैं 50 किलो आटा आपको ला के दूंगा, 50 किलो राशन ला के दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में अगर उतना ही में पार हो तो बताओ मुझे। और जो बता रहे हो सिलेंडर इसलिए सस्ता हो गया कि यहाँ घोषित चुनाव है, हाँ समझ रहे हो ना, और चुनाव जैसे ही खत्म होगा इसमें फ्री सिलेंडर बांटे थे 1200 रुपए के, बेच बेच के सिलेंडर, उसका पैसा वसूल भया कि नहीं भया, कहाँ साला 64-62 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था 100 के पार है, और कहाँ 10 रुपए टमाटर बिकता था 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था, इतने समय तो 80 रुपए किलो है। सस्ता तो दिए मोदी जी ने, और तो 10 रुपया किलो था, सस्ता नहीं हो गया, क्या सस्ता हो गया, तुम्हें 10 रुपए किलो वाला ठीक था कि 80 रुपए वाला किलो ठीक है, ये मुझे बताओ, आपसे मैं खुद 200 रुपए सस्ता हुआ कि नहीं, वो 200 का। अच्छा एक चीज बताओ, जो आदमी पहले 10 रुपए किलो टमाटर लेते थे, गरीब आदमी जो ईटा गारा करते हैं वो 400 रुपए पाते हैं मजूरी, वो कहाँ से उनकी जिंदगी को आगे सफलता मिलेगी मुझे ये बताओ। अगर वो 80 रुपए टमाटर ले लिए, 200 रुपए लीटर कड़वा तेल ले लिए, कितना हुआ, 280 हुए कि नहीं हुए, अब बचे कितने, 120 रुपए बचे, तो बेचारे 120 रुपए में सुबह चाय नाश्ता तो उनके पास क्या बचता है, जीरो बैलेंस बचता है, तो वो सब कहाँ से लाएंगे पैसा ये बताओ। अब उनके मंत्रियों जैसे उनके पास 50